भागते भागते थक गया। अब तो बता दो चुड़ैल जी, तुम्हें क्या चाहिए? 22 मिलियन सब्सक्राइबर। मुझे 22 मिलियन सब्सक्राइबर पुरानी है। तुम हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, टूटू कार्टून टीवी। ठीक है चुड़ैल जी, मैं सब्सक्राइब कर दिया, अब मुझे जाने दो। सुनो, आप लोग भी कर लेना मेरी चैनल को सब्सक्राइब। दो, कल होली के दिन है, सभी लोग सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। किसी को मुर्गियाँ खरीदना है तो किसी को मछलियाँ। ऐसे ही सभी लोग मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर दूसरे दिन अरे यार मित्र सोहन, आज होली है, चलो ना मुर्गियाँ लेने पंकज भाई के पास चलते हैं। अरे भाई हरिया, मुझे तो मछलियाँ खरीदनी है, चलो तुम्हारे ही साथ ले लूँगा मछली और मुर्गा। गांव वालों ने मुर्गा और मछली खरीदने के लिए चल पड़ते हैं मार्केट। किसी को अपने बच्चों के लिए पिचकारी खरीदना था तो किसी को रंग और अबीर। चलते चलते दोनों मुर्गियाँ वाले के पास पहुँच जाते हैं। अरे मुर्गी वाले भैया, कितने रुपए किलो मुर्गियाँ दे रहे हो? होली का ऑफर है भाई, होली का ऑफर है, 130 रुपए किलो दे रहा हूँ, जल्दी ले लो नहीं तो मुर्गियाँ खत्म होने वाली है। क्या कहा क्या कहा, 130 रुपए किलो दे रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हो। 100 रुपए किलो देना है तो दे दो भैया, नहीं तो हम दूसरी मुर्गी फार्म के पास जा रहे हैं। चलो जगिया भाई। अरे यार ले लेते हैं, नहीं तो मुर्गियाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसे भी आज होली है, लोग डट कर खाएंगे और जो गिरा सारा रा रा कहेंगे। हाँ जगिया भाई, तुमने सही कहा, सच में कहीं रेट ना बढ़ जाए। अरे मुर्गी वाले भैया, 120 रुपए किलो दे दो तीन मुर्गियाँ, हम लोगों की पिकनिक के लिए देर हो रही है। ठीक है भैया, अभी मुर्गा देता हूँ, तीन चाहिए ना अभी देता हूँ। फिर दोनों मुर्गियाँ लेकर घर आते हैं। वो मेरी मैडम, कहाँ हो तुम? मटन और चिकन बना लो, तब तक हम जंगल से होली मना कराते हैं। अरे सुनो जी, मैंने सुना है जंगल में चुड़ैल का भूतिया साया है, क्या आपको पता नहीं है? आप घर पर ही पिकनिक मना लीजिए, मेरी बात मानिए। अरे विमल, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में डर रही हो, चलो जगिया भाई चलते हैं। फिर दोनों मुर्गियाँ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते अब हरिया और जगिया दोनों उस जगह पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। चारों दिशाओं में सन्नाटा छाई हुई थी, ना तो किसी आदमियों की ठिकाना था ना किसी जानवर की। जगिया मन ही मन डरने लगा था। इस जंगल में उसे एक बात का सबसे ज्यादा डर था, जो बिमला भाभी ने कहा था। अब डर के मारे जगिया हरिया से कहता है, हरिया भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस जंगलों में, सच में कहीं चुड़ैल तो नहीं रहती इस जंगल में। हरिया हंसते हुए जगिया से कहता है, अरे जगिया भैया, कर दिया ना बिमला जैसे बातें, यहाँ किसी चीज की कोई डर नहीं। अब ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से मुर्गियाँ पकाते हैं, शराब के साथ डक कर खाएंगे और पिएंगे। एक चिकने सा जगह देखकर फिर दोनों मुर्गियाँ पकाने लगते हैं। मुर्गियाँ पकाते पकाते काफी देर हो जाती है और मुर्गियाँ भी पक जाती है। दोनों आराम से एक साथ बैठकर नया साल पिकनिक मनाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उनके आगे दो चुड़ैल आती है और गुस्सा होकर कहती है, अरे गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे इलाके में मुर्गियाँ पकाकर खाने आए हो, अब तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल की बातें सुनकर जगिया कहता है, अरे हरिया भैया, विमला भाभी ने तो सच्ची कहा था, जंगल मत जाओ, जंगल में चुड़ैल रहती है, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। मुर्गियाँ तो छोड़ो, अब चुड़ैल हमें खाकर अपना नया साल मनाएगी। जगिया की बातें सुनकर हरिया चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल मौसी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम हमें खा जाओगी तो उसे कौन देखेगा,
बोलो चुड़ैल मौसी। खबरदार, जो मुझे मौसी कहा तो मैं तुम्हारा कोई मौसी नहीं। अरे टकली चुड़ैल, क्या तुम इनकी मौसी हो? हाँ मैं इनकी मौसी हूँ। ये मेरा ही बहन का बेटा है। आओ आओ मेरे खूबसूरत बहन का बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिना नमक के ही कच्चा चबा जाऊंगी। आओ मेरी बहन बेटा, मेरे पास आओ। अरे जान प्यारी है तो भागो जगिया भाई, नहीं तो दोनों चुड़ैल खा जाएगी हमें। फिर भागते भागते दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे हरिया भैया, भागते भागते तो थक गए, लेकिन रास्ते खत्म होने की नाम ही नहीं लेती। इस जंगल में रास्ते का तो कोई पता ही नहीं, कौन सी रास्ते गांव की तरफ जाएगी। अरे जगिया भाई, सामने उस तरफ रास्ता दिखाई दे रही है, शायद वो रास्ता हमारे गांव की तरफ जाती होगी। चलो उस रास्ते भागते हैं। फिर दोनों उस रास्ते भागते हैं। फिर भागते भागते दोनों गांव पहुंच जाते हैं और हरिया अपनी पत्नी से कहती है, अरे विमल दरवाजा खोलो, तुम सुन रही हो, हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। फिर विमल जल्दी से दरवाजा खोल देती है और दोनों अंदर आते हैं और सारी बातें बिमला को बताते हैं। तभी चुड़ैल पीछा करते हुए उनके घर के दरवाजे के पास खिड़की से झांकती है और कहती है, अरे गांव वालों, अब की बार तो बच गया। खबरदार, जो दोबारा हमारे इलाका में आए तो कच्चा ही बिना मसाले के खा जाऊंगी। समझा, बड़ा आया था मौसी कहने वाले। फिर चुड़ैल इतना कहकर वापस जंगल की तरफ चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल टूटू कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक प्यारी सी कमेंट करें। मैंने सब्सक्राइब कर लिया है और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।